हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो कल वाले व्लॉग में मैं कल पहुँच गया था 9:12 बजे अपने घर और उसका सो गया था। और आज के अभी बज रहा है टाइम 9:43 और अभी मेरा टाइम हो गया दुकान जाने का। और आज ना मेरे बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं। एक तो मेरे को अपने बाइक का काम करवाना है, उसमें मेरे हैंडल का काम होना है और नए टायर लगना है, क्योंकि 2-4 दिन में मेरे को लद्दाख राइड के लिए निकलना है। तो उसके लिए भी तैयारी वगैरह कर थोड़ी बहुत बाकी थी। कुछ आइटम थे जो मेरे ऑनलाइन आने थे, वो भी शायद आज या कल में मेरे पास पहुंच जाएगा। जैसे स्लीपिंग बैग था और एक दो लाइट्स वगैरह थे जो मुझे कैंपिंग के टाइम में चाहिए होगा, क्योंकि जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते ना तो ठंड बहुत लगती है। तो अच्छा स्लीपिंग बैग चाहिए था, मेरे पास स्लीपिंग बैग था नहीं, तो मैं सोचा कि स्लीपिंग बैग मंगा लेता हूँ। तो वो भी शायद आज या कल में पहुँच जाएगा। और बाकी जो मेरा गाड़ी का काम है वो करवाता हूँ। अभी तो भाई की गाड़ी है जो मेरे विक्की की गाड़ी, अभी विक्की को देनी है और वहाँ से फिर अपनी बाइक उठा के जानी है दुकान। तो दुकान का टाइम भी हो रहा है, लेट हो रहा है, तो सीधे मिलते दुकान में। तो मैं अपनी दुकान में पहुँच गया था और अभी लगभग टाइम हो रहा है 12:50। 2 बजे के आसपास पापा आएंगे तो मैं चले जाऊँगा अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए। सर्विस भी करानी है और मुझे कुछ अपने टायर चेंज कराने हैं और 2-3 चीज़ें और करवानी, तो वो भी करवाना है। और उसके बाद अभी रोहित भी आ रहा है, तो रोहित बोला था कि रोहित को भी अपनी गाड़ी में कुछ काम वगैरह करवाना है, तो वो भी साथ में चलेगा। वो अपनी गाड़ी बजाज में दे देगा और मैं दे दूंगा अपनी गाड़ी जय मोटर्स पे, जहां मुझे अपने छोटे मोटे काम करवाने हैं। तो अभी दिक्कत वाले का फ़ोन आया था, जो मेरा प्रोडक्ट आना वाला था, जो कल आने वाला था, वो आज पहुँच गया है। तो वो अभी मैं लेने जा रहा हूँ और वो रिसीव करके फिर उसे अनबॉक्स भी करते हैं। तो ये गाड़ी है जिसमें मेरा सामान है दिक्कत वाला, यहाँ से रिसीव करते अपना प्रोडक्ट। हाँ, OTP चाहिए हो जाएगा ना? ठीक है। तो ये है जिसको लेना था मैंने, और ये लेके भी मैं जा रहा हूँ अपनी शॉप की तरफ। तो भैया ये है जो आइटम मेरा आया था, उसका करता हूँ अनबॉक्सिंग। होने को बड़ा सा दिख रहा है लेकिन बहुत हल्का है, मुझे पता है क्या इसमें, लेकिन आपको मेरा ये स्लीपिंग बैग जो मेरे लद्दाख राइड में ना बहुत काम आने वाला है। ज़्यादातर हम करेंगे टेंट वाली कैंपिंग, पर जब जो हम करेंगे कैंपिंग वाला ट्रिप रहेगा हमारा, तो उसमें मुझे ना ये बहुत ज़रूरत थी कि रात में सोते समय ना बहुत ठंडा लग जाएगा, उस एरिया में हम टेंट वाला लगाएंगे, क्योंकि हमारा रहेगा सारा ओपन एरिया और वहाँ हवा चलती है, तो ठंड लगने का पूरे चांसेस है। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए ये तो ज़रूरी था। और साथ में टेंट में ना ये लाइट भी चाहिए थी, तो ये लाइट भी हमने ले ली थी। और ये है इसका जो प्राइस है, ये है वैसे 1299, लेकिन मुझे पड़ा है 900 रुपये। और जो ये स्लीपिंग बैग है, ये पड़ा है मुझे 5000। तो जैसे ये आपका अभी मैं पहुंच गया था जय मोटर्स और अपना जो टायर है ना, दोनों टायर अपने चेंज करा रहा हूं। ये जय मोटर्स है जो कि आपका रामपुर रोड पे है और पेट्रोल पंप के ठीक सामने है, तो आप यहां के अपने टायर वगैरह चेंज करा सकते हो। यहाँ पे टायर अभी फिट हो रहा है जो मेरा पीछे वाला, आगे वाला तो हो गया था, आगे वाला टायर मैंने फिट करवा लिया था, जो पीछे वाला बचा हुआ है। जो मैं टायर लगा रहा हूँ ना, ये है MRF का मेटियोर का टायर, MRF मेटियोर M, तो ये ऑफ रोडिंग और ऑन रोड दोनों में यूज़ होता है, तो इसलिए मैं ये टायर लगा रहा हूँ। और मेरे फ्रेंड ने भी ये लगाया था, उसको बोला था परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इसका, इसलिए मैंने भी इसी को चूज़ करा। तो आपके जे मोटर्स में मिल जाएंगे हेलमेट के रेंज और LS2 के बहुत सारे हेलमेट मिलेंगे, अलग अलग टाइप के, जैसे स्पोर्ट्स वाले हैं और स्पोर्ट्स वाले हैं, तो उस टाइप के आपको हेलमेट, टूरिंग हेलमेट वगैरह भी सारे मिल जाएंगे। और साथ में मैड डॉग की जो लाइट्स है ना, तो मैड डॉग की लाइट की रेंज भी मिल जाएगी, जस्ट लाइक ये वाले। ये है अल्फ़ा 8000X जो मैंने अपने बाइक में लगा रखा है। और ये वाला है आपका, ये वाला कौन सा वी जी? डेल्टा। तो ये जो अल्फ़ा मैं यूज़ कर रहा ना, उससे एक क्लास नीचे है और इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और बहुत सारी रेंज है, स्काउट, स्काउट एक्स, ये सारी रेंज इधर मिल जाएगी, साथ में टूरिंग सीट इस टाइप की। और LS2 के जो भी अगर आपको पार्ट्स चाहिए, जो हेलमेट्स ले रहे हो, हेलमेट्स के जो पार्ट्स वगैरह हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। जस्ट लाइक ये वाइज़र है, तो इस टाइप का वाइज़र अगर आपका
कोई वाइजर शॉर्ट हो रहा है तो आप यहाँ के पता कर सकते हो। और ये फोमिंग है जो आपकी अंदर से कुछ नहीं होती है हेलमेट की, वो है। तो अलग अलग वैरायटी के, जैसे कोड इसमें लिखा हुआ है FF320, तो इस तरह की पैडिंग वगैरह अलग अलग हेलमेट की, अलग अलग पैडिंग ये आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। साथ में इस टाइप के गियर्स, जैसे ये गियर्स आपका, ये हो गया ग्लव्स। और राइडा के भी वह के पास अच्छी रेंज मिल जाएगी, राइडा के आपके ग्लव्स, उसके बाद राइडा के टूरिंग बूट, तो इस टाइप के बूट्स वगैरह भी जो है आपको वो भी मिल जाएगा अलग अलग। और ये वाला शायद वाटरप्रूफ भी है, तो इसका मैं डिटेल आपको, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा कि ये वाटरप्रूफ है नहीं है। वैसे इसमें लिखा ज़रूर होगा 5050 rupees की MRP है, लेकिन इसका कोई ऐसा डिटेल दिया नहीं है। और साथ में राइडा के गियर्स वगैरह भी है, जैसे आपकी जैकेट, यहाँ जैकेट मिल जाएंगी, टूरिंग जैकेट, तो ये जैकेट है, तो इस टाइप के जैकेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे राइडिंग की। और इस सब मिल जाएंगे आपको कुछ लोकल हेलमेट, यानी स्टड्स के, स्टील बर्ड्स के, वगैरह के अलग अलग तरह के हेलमेट्स, और साइलेंसर वगैरह मिल जाएंगे। और मोटोकैन के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये आपका मास्टर सिलेंडर इंजन का प्रोटेक्टर है, और ये आपका आगे का हेडलाइट का प्रोटेक्टर। तो इस टाइप के बहुत सारे मॉडिफिकेशन के जो आइटम्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपको कभी कोई भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी अगर चाहिए होगा, तो आप यहाँ आके ऑर्डर दे सकते हो। जो चीज़ यहाँ नहीं मिल रही है वो आपको ऑर्डर से यहाँ मिल जाएगी। और मैं भी कुछ आइटम अगर मुझे चाहिए होता तो मैं यहाँ से जरूर मंगाता हूँ। और फिलहाल तो मैं यहाँ से टायर लगवा रहा हूँ, और साथ में लुब्रिकेंट वगैरह जो मुझे अपने बाइक के लिए चाहिए होगी वो सब मैं अपने लिए यहाँ से परचेस कर लूँगा, और यहाँ से अपना काम निकाल के फिर मैं जाता हूँ अपने शॉप पर। किचन देखनी है, गिफ्ट मांगूंगा। कुछ बोल रहा था तो एक महीना लद्दाख नहीं कर पाऊंगा मैं, ना कर लूं, मैं स्पॉन्सर कर दो। भाई तेरे को बोल रहा हूं तो आ जा, साथ में चल रहे हैं, चलते हैं यार, अब तो बहुत ही हो गया, नहीं जा पाएगा तो स्टेट हो गई लाइव। तो भाई मैं अपने दुकान पहुंच गया हूं, और जो मेरा असमर है यार, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। चटा कितना होती है, स्टार्ट नहीं करी वीडियो इनने, अब कर रहे हैं स्टार्ट। तो मैं अपनी शॉप पे पहुंच गया हूं, और जो मेरा काम था ना बाइक का, वो सारा हो गया है, मतलब 50% हो गया है। बाकी भाई उसको बंद कर, मैं ज़रा बोल रहा हूँ कुछ। तो 50% मतलब मेरा काम लगभग सारा हो गया है, बस कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज है जो मेरे को रास्ते में चाहिए वो मैं लूँगा कल। क्या कुछ कर रहे हो आप? ये तो एसेसरीज लेके कल मैं अपनी बाइक को पूरी पैक कर दूँगा और बढ़िया करके, तो परसों होपफुली परसों या नरसों हम निकल जाएंगे। तो कुछ सामान जो मैंने अपने लिए लिया हुआ है जो बाइक की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो ये चेन क्लीनर और चेन लुब्रिकेंट, तो ये दो चीज़ जो मुझे चाहिए होगी। और एक ये मैंने रॉयल एनफील्ड से लिया था, तो होने को तो इसमें बस मेरा एक ये हेड कवर है जो काम आएगा, और एक की चेन है इसके अंदर, तो इसको भी खोल के देख लेंगे। और ये चाय के कप भी हम रखेंगे, चाय के कप भी हम रखेंगे, और ये हमारा एज अ कुक हमारे साथ जाने वाला है पीछे बैठ के एक महीने के लिए। बस मैगी बना सकता है, खा नहीं सकता है। तो विक्की भाई तुम भी आ रहे हो ना हमारे साथ धर्मशाला तक। तो ये धर्मशाला तक है और हम पूरे लद्दाख तक है, तो हो सके लद्दाख के आगे ही वाले के। तो आपने अगर ये वीडियो पूरी देख ली है तो प्लीज़ जाके लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं जैन जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।